एक जूती लेके आए हो, लेडीज जूती। ये 5 और 6 नंबर पैर के लिए है। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो नीडल लिया हुआ है, ये 10 नंबर की नीडल है यानी सिलाई, और इसमें जो फंदे डाल के रखे हुए मैंने यहाँ पे 24 फंदे डाले हुए, क्योंकि ऊन हमारी पतली है इसलिए मैंने 24 डाला हुआ। आपकी थोड़ी सी मोटी है तो इसमें 20 से 22 फंदे डाल ले आप, ठीक है। तो देखिये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये 24 फंदे, ठीक है। 24 फंदे डालने के बाद हमने उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से भी उल्टी बनाते हुए हमने इसकी लाइन कंप्लीट की हुई है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19, ठीक है। और इधर से हम काउंट करते हैं तो इधर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। उल्टे साइड से हमारी 20 हो रही है और सीधी साइड से हमारी 19 धारियां, ठीक है। अब यहाँ सीधी तरफ से हम कलर चेंज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सीधा बनाने वाले हैं। आगे का डिजाइन हम यहाँ पे येलो कलर से बनाएंगे। जब आप उल्टी तरफ से दोनों साइड उल्टा उल्टा बना रहे हैं या एक साइड उल्टी एक साइड सीधी, तो उल्टे साइड से आप कलर चेंज करें। यहाँ पे मैं सीधी बनाऊंगी इसलिए इधर से मैं कलर चेंज कर लूंगी सीधी साइड से, ठीक है। पूरी तरह यहाँ पे हम सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम कंप्लीट करेंगे। इसे आगे किस तरह से खींचेंगे, ग्रे कलर का धागा आपको काटना नहीं है, इससे भी हमारे आगे चल के डिजाइन बनेगी इसलिए काटे नहीं है इसे, ठीक है। तो चलिए पूरी सिलाई हम यहाँ पे सीधा बना लेते हैं। सीधी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब उल्टे साइड आ गए। उल्टे साइड हमें सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरह से, ठीक है, जो इधर सीधे है इधर पहला फंदा उतार लिया हमने। अब यहाँ से पूरी सिलाई हम उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे। उल्टा बना ले, फिर से सीधी तरफ आ गए, पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ पे पूरी सिलाई हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमारी येलो कलर की तीसरी लाइन होगी। आप चाहे तो इस कलर को आप उल्टी तरफ से भी लगा सकते हैं। पहले सिलाई आप उल्टा उल्टा एक लाइन बना ले, फिर सीधी तरफ से भी इसे फिर से सीधा सीधा बुन सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हम। यहाँ पे देखिए हमारी येलो कलर की 4 सिलाइयां हो गई। मैंने सीधे साइड से खोलते उल्टे साइड कर लिया क्योंकि इसे 5वीं सिलाई में हमें कलर चेंज करना था। तो उल्टे साइड से हमने 1 सिलाई की, सीधे साइड से 2, फिर उल्टे साइड से 3 और सीधे साइड से 4। 4 सिलाइयां कंप्लीट करने के बाद हम इधर पलटेंगे और इधर से हम कलर चेंज करते हुए फिर से हम ग्रे कलर ले लेंगे और यहाँ से हम ग्रे कलर की इसकी बुनाई करेंगे, ठीक है। इस धागे को पीछे कर लेना है आपको। अब यहाँ से देखिए ग्रे कलर से हम क्या करेंगे, उल्टा उल्टा बनाना है आपको, सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टे साइड से भी उल्टा आपको एक ग्रे कलर से बनाना है। तो पहली लाइन हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है। उल्टी लाइन, तो उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। सीधी तरफ आ गए, सीधी तरफ हमें फिर से उल्टा उल्टा बनाना है। तो पहला फंदा को उतार लेंगे, धागा अपनी ओर कर ले। यहां से पूरी सिलाई फिर से हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, यानी 4 सिलाई हम इसकी बनाएंगे येलो की और 4 सिलाई हम ग्रे कलर की बनाएंगे, ठीक है। ग्रे कलर की बनाएंगे तो दोनों साइड हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है, उल्टे साइड भी उल्टा और सीधे साइड भी उल्टा। और येलो कलर जब हम बुनेंगे तो उल्टे साइड से उल्टा और सीधे साइड से सीधा, ठीक है। इस तरह से करते हुए जो ये धारियां हैं हमें कम्प्लीट करना है। येलो कलर से हम 6 धारियां बनाएंगे और ग्रे कलर से हम 5 धारियां बना के कम्प्लीट करेंगे। जैसे ये दिख रही है आपको एक धारी, इसी तरह से आपको 5 धारी और बनानी है, ठीक है। और जो ग्रे कलर की हमारी जो है गांठ स्टिच, ये हमारी 5 लाइनें आनी चाहिए। जैसे हमने एक अभी बनाई है, एक लाइन और बनाएंगे तो ये हमारी 1 धारी होगी, ठीक है। तो कंप्लीट करके फिर दिखा देती हूँ। यहाँ पे धारियां देखिए हमारी कंप्लीट हो गई, एक येलो की और एक ग्रे की, ठीक है। ये 4 सिलाइयां इसकी कम्प्लीट हो गई। अब उल्टे साइड से हम यहाँ पे फिर से येलो लगाएंगे, फिर इसकी भी हम 4 सिलाइयां कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे की लाइनें कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको सॉक्स सिलने का तरीका फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए इसकी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। ये बनने के बाद देखिए धारियां हमने 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 धारियां हमने येलो की बनाई हुई है, और जो हमने ग्रे कलर की बनाई हुई है 1, 2, 3, 4 और ये 5। उसके बाद हमने येलो बनाने के बाद सेम यही डिजाइन हमने फिर से इधर रिपीट की हुई है। जितनी धारियां मैंने इधर बनाई है सेम उतनी धारियां मैंने इधर बनाई हुई है।
उसके बाद सारे फंदों को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। फंदे बंद करने तो जानते हैं, इसलिए मैंने ऐसे फंदे बंद करना नहीं बताया आपको, ठीक है। दो का एक करते हुए सारे फंदे को हमने यहाँ पे बंद कर लिया। अब इसकी सिलाई देखिए किस तरह से होगी। सीधा भाग अंदर की ओर रखेंगे, उल्टा भाग ऊपर की ओर। अब इस तरह से हमें पकड़ना है, ठीक है। अब इधर से हम इसकी सिलाई करेंगे। इस भाग से देखिए, यहाँ से सिलाई करते हुए आएंगे और इधर से सिलाई करते हुए नीचे का भाग सिल लेंगे। और ऊपर का जो प्लेन चेन वाला भाग है, देखिए ये वाला, ये हम ऊपर की साइड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिलाई करना। अब देखिए इसमें डालेंगे इस चेन में, फिर से एक बार इधर से इधर कर लेते हैं। हर एक चेन में डालते हुए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम यहां से यहां तक सिलाई करेंगे, फिर इधर से सिलाई करेंगे इस तरह से। इधर से सिलाई करते हुए हम नीचे तक आएंगे, यहां तक आएंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं यहां से, यहां इधर से हमने इसकी सिलाई कर ली। देखिए नीचे भाग भी हमने इसकी इधर सिलाई कर ली है। और सीधा करने के बाद देखिए इस तरह से लेंगे, ठीक है। जहां से हमारे येलो भाग है, इस जगह से इस तरह से धागे को घुमाते हुए लेंगे। गांठ नहीं लगाना है आपको, इस तरह से करते हुए जहां तक हमारा येलो भाग है वहां तक इस तरह से लेते हुए जाना आपको, छोटी छोटी सिलाई लेते हुए। या फिर आप इस तरह से भी ले सकती है, ऐसे घुमाते हुए लेना है आपको इस तरह से, ठीक है। ऐसे लिए इस तरह से लेंगे, टाइट नहीं करना आपको, बल्कि हाथों से लूज रखना है, फिर बाद में धागे को खींचना है हमें, ठीक है। इस तरह से ले लेंगे। ये लोग पार्ट तक आएंगे और वहां पे हम इस धागे को पकड़ते हुए खींच लेंगे। अच्छा ठीक है, अब इस धागे को अंदर कर लेंगे इधर। अब यहां से इन दो धागों को इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से ऐसे, और इधर भी खींचेंगे और टाइट करते हुए यहां पे हम इसे बांध देंगे। दो तीन गांठ मजबूती से लगा दे। अब देखिए क्या करना है, इस धागे को अंदर की ओर करेंगे, बाद में उस धागे को काट लेंगे। अब यहां से देखिए थोड़ी दूर तक हम यहां से एक दो तीन और ये चार, चार फंदों तक हम यहां पे इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ले लेना है आपको, ठीक है। या तो उल्टा भाग कर ले इसे, उल्टा भाग करने के पे इस तरह से सिलाई करेंगे तो फिर ये दिखेगी नहीं, ठीक है। ऐसे कर लिया हमने। अब यहां से सिलाई करेंगे, इस धागे को पकड़ेंगे और इस वाली चेन को पकड़ेंगे, सबसे फर्स्ट वाली चेन को ऐसे लिया। फिर यहां पे लेंगे दूसरा चेन हो गया, तीसरा चेन, चौथा चेन, यानी चार चेन हो गई, ठीक है। पांचवी चेन तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। अभी भी डिजाइन खत्म नहीं हुई, वीडियो को पूरा देखें। इस तरह से गांठ लगाने के बाद हम धागे को काट लेंगे। अब देखिए क्या करना है, इसे सीधा करेंगे सबसे पहले। सीधा करने के बाद यहाँ पे हम येलो कलर लेंगे और यहां से हम इसकी क्रोसेस की डिजाइन बनाएंगे साइड में जो है, ठीक है। जो चेन हमने जहां पे देखी बनाई है इस जगह पे, यहां से स्टार्ट करेंगे या फिर आप यहां से शुरू करें, जो साइड में हमारी एड़ी है यहां से शुरू करेंगे तो फिर यहीं पे आके हमें खत्म करना है। तो इस जगह से लेंगे इस तरह से, ऐसे लिए
चेन बनाए, नॉर्मल सा हम इस तरह से डिजाइन डालेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंगल क्रोशे के साथ इसे हम बंद करेंगे, ज्यादा टाइट नहीं करना है आपको, ठीक है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ से राउंड घुमाते हुए हम यहाँ तक आएंगे, ठीक। यहाँ तक आने के बाद धागे को काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी सॉक्स बनके रेडी हो गई। नीचे से कुछ इस तरह से सिलाई है एड़ी के पास, इस तरह से देखिए। ऊपर तक हमने इसकी सिलाई करने के बाद चारों तरफ से हमने इसमें चेन सिलाई कर दी है, यानी सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाई है। कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत बन के आई है, देखिए। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही कम ऊन में बनती है। तो इसमें कितनी ग्राम ऊन लगी है चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैंने इसमें डाल के दिखा दिया कि फिटिंग कितनी अच्छी आई है, ठीक है। 5 और 6 नंबर के लिए है ये, इससे पहले मैं खोलती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ग्राम इसमें ऊन लगी हुई है। इसको ऑन करेंगे सबसे पहले, देखिए 0-0 है। अब इसको इसमें रखेंगे, टोटल 15 ग्राम इसमें ऊन लगी है। पॉम पॉम लगाते हुए इसमें 15 ग्राम, यानी 30 ग्राम ऊन में आपकी ये सॉक्स बन के रेडी हो जाएगी। तो आज की वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।